Hello and welcome to Kids Heaven Public School online classes. Okay, so dear grade 7 students, The Cop and the Anthem, our interesting story about our character Soapy, जो कि जेल जाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे अरेस्ट ही नहीं करते हैं. सो हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में देखा कि उसने किस किस तरह से कोशिशें की थी, पर वो जेल नहीं जा सका. फाइनली वो हार मानकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है, जो कि बस एक सीट होती है पार्क में. अब उसके बाद क्या होता है देखते हैं चलें. बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर सोपी स्टॉप्ड. हेयर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम. थ्रू वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग. दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम वेयर ही हैड स्पेंट मेनी पीसफुल हैप्पी मोमेंट्स. स्वीट म्यूजिक केम टू सोपीज ईयर्स एंड सीम टू होल्ड हिम देयर. अब वो जब वहाँ से गुजर रहा होता है तो वो सडनली रुक जाता है. उसे यहाँ पर अपने बचपन का घर दिख गया और एक खिड़की में से उसे एक हल्की सी लाइट दिखती है. शायद वो उसकी बैठक थी जहाँ उसने बहुत ही खुश एंड हैप्पी एंड पीसफुल यू नो मोमेंट्स गुजारे थे वहाँ पर. बहुत आरामदायक अच्छे मोमेंट्स और मीठा मीठा म्यूजिक उसके कानों में चलने लगा. ओके, और वो वहीं रुक गया. द मून वॉज अबव पीसफुल एंड ब्राइट. देयर वर फ्यू पीपल पासिंग. ऊपर चांद की रोशनी थी, ब्राइट भी थी और सुकून भी था, और थोड़े ही लोग वहाँ से गुजर रहे थे. He could hear birds high above him, and the music that came from the room held Soapy there, for he had known it well long ago. ऊपर आसमान में इसे चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी, और जो म्यूजिक उस कमरे में से आ रहा था, Soapy वहीं रुक गया सुनते हुए, क्योंकि वो उसे बहुत पहले से जानता था. In those days, his life contained such things as mothers and flowers and high hopes and friends and clean thoughts and clean clothes. एक वक्त था जब इसके जीवन में माँ थी, फूल थे, अच्छी उम्मीदें थीं, दोस्त थे, अच्छी सोच और अच्छे कपड़े थे. There was a sudden and wonderful change in his soul. ये सब सोचकर सोपी की आत्मा में सडनली एक बदलाव आता है. एंड वो क्या सोचने लगता है, उसने सोचा कि ये उसके जो बेकार दिन हैं आज और गलत इरादे हैं, गलत नीयत है, और ये जो इसकी उम्मीदें मर चुकी हैं, उसका मन ही जैसे काम नहीं करता. अब वो क्या सोचता है कि उसे जेल में जाना है. ठीक है, तो ये जो ये सारी गलत बातें थीं, सडनली उसके मन में एक बदलाव आता है और वो अपने आप को बदलने की सोचता है. ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हर्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल. ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ. ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड. वो क्या कहता है कि वो अपने आप को बदलेगा, लड़ेगा अपने आप से और इस कीचड़ में से अपने आप को निकाल लेगा. यहाँ हम कीचड़ को कह रहे हैं ये जो इसकी गरीबी है और ये जेल जाने की सोचता है, उल्टी सीधी हरकतें. ठीक है, ही वुड मेक ए मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन. वो अपने आप को एक अच्छा इंसान दोबारा बनाएगा. यहाँ देखें, ये खड़ा हुआ यहाँ पर सोच रहा है इस घर में, और ये देखें यहाँ कमरों की खिड़की में से म्यूजिक दिखा रहे हैं कि म्यूजिक आ रही थी, म्यूजिक की आवाज़. अब देखें यहाँ पर एक कॉप आ जाता है और अब क्या होता है ये देखते हैं. देयर वॉज टाइम, ही वॉज यंग इनफ. वो सोच ही रहा था कि अभी तो वो जवान है, उसके पास काफ़ी टाइम है एंड वो दोबारा अपने लिए एक मकसद बना सकता है. वो जो स्वीट म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी कमरे में से ना, वो इसने बदल दी. टुमोरो ही वुड फाइंड वर्क. वो कल ही अपने लिए कोई काम ढूंढेगा. ए मैन हैड ऑफर्ड हिम अ जॉब. ही वुड फाइंड दैट मैन टुमोरो. ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड. ही वुड. Soapy felt a hand on his arm. अब वो सोचता है कि मैं एक जॉब ढूंढूंगा. यहाँ तक कि एक आदमी ने एक बार उसे ऑफर करी थी, मतलब जॉब के बारे में बताया था, तो वो कल ही उस आदमी को ढूंढेगा और वो अपने लिए दुनिया में एक स्थान बनाएगा. ठीक है, अपने लिए एक पोजीशन बनाएगा, एक स्टेटस बनाएगा. ठीक है, सडनली उसे फील होता है कि उस पर उसके हाथ पर किसी ने हाथ रखा. वो जल्दी से पलट के देखता है तो एक पुलिस वाला खड़ा होता है. व्हाट आर यू डूइंग हैंग इन हियर. पुलिस वाला पूछता है यहाँ क्या कर रहे हो. सोपी कहता है कुछ नहीं. यू थिंक आई बिलीव दैट. तुम्हें लगता है कि मैं यकीन करूंगा. फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ सोपी बिगेन टू आर्ग्यू एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद अ न्यूयॉर्क कॉप. अब सोपी के अंदर तो हिम्मत आ चुकी थी, उसे तो कुछ अच्छा करना था, तो वो कॉप से जो है लड़ना शुरू कर दिया उसने. लेकिन ये सही नहीं होता कि आप एक कॉप से लड़ाई करें. कॉप ने कहा कम अलॉन्ग, चलो मेरे साथ. और 3 months prison on Blackwell Island, said the judge to Soapy next morning. बिना कुछ किए सोपी को अगले दिन जज ने सुना दिया फैसला, 3 महीने ब्लैकवेल टीपू की जेल में. देखें, जब उसने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी जेल जाने की, उसे एक अच्छा इंसान बनना था, जॉब करनी थी, तब उसे 3 महीने जेल में सजा दे दी गई, कुछ भी नहीं करने की, सिर्फ खड़े होने की. सो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट सोपी
Okay, the cop and the anthem. Thank you.